मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, मैं आज आपको एक्सरसाइज 13.5 पढ़ा रही हूँ। स्टोरी क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सेज तब्बू बाइज अ कोल्ड ड्रिंक फॉर रूपी 10। तब्बू ने एक कोल्ड ड्रिंक खरीदी 10 रुपी की एंड अ पैकेट ऑफ चिप्स फॉर रूपी 8, और एक चिप्स का पैकेट खरीदा 8 रुपी का। हाउ मच डज सी पे द शॉपकीपर इन ऑल, तो उसने शॉपकीपर को कितना पे किया? तो 10 रुपी की कोल्ड ड्रिंक है और 8 रुपी के चिप्स हैं, तो 10 + 8 कितना हो गया? ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक कितने रुपए की थी? 10 रुपए की थी। तो कोल्ड ड्रिंक रुपी 10 एंड पैकेट ऑफ चिप्स रुपी 8, द टोटल ऑफ द रुपी 18 रुपी। ठीक है, कितने रुपए उसने दिए? 18 रुपी। रितु हैज़ 75 रुपी इन हर पॉकेट, रितु के पास उसकी पॉकेट में कितने 75 रुपी थे? बट रानी हैज़ 6 मोर देन रितु, लेकिन रानी के पास जो थे वो जो रितु से 6 जो थे नंबर्स वो यानी 6% का ज़्यादा था। ठीक है, हाउ मच मनी डज द रानी हैव, तो रानी के पास कितनी मनी थी? तो 75 रुपी थी उसके पास, मल्टीप्लाई 6 = 3 कैरी आया, 7 6 = 45, ठीक है, 450 रुपी ये आपका आएगा। इस तरह आपको कॉपी में सबको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं आपको इस तरह बुक में बता रही हूँ किस तरह आपको सॉल्विंग होगी, लेकिन आप सबको कॉपी में ये सॉल्व करना है। ठीक है, फिर इसी तरीके एट द स्नैक्स काउंटर रश्मि स्पेंड ₹65 ऑन फूड, यानी रश्मि ने इतने रुपये फूड में स्पेंड किए और 50 रुपये कोल्ड ड्रिंक में, तो उसके पास कितने स्पेंड हुए, इसने कितने रुपए स्पेंड किए? तो 60 + 50 = आपका आ जाएगा। ठीक है, टोटल अमाउंट। इसी तरीके आपको मैं स्टोरी बता चुकी हूँ, आप इस तरह स्टोरी क्वेश्चंस करिएगा। फिर देखिए रिवीजन एक्सरसाइज है आपकी, राइट द अमाउंट ऑफ मनी शोज, तो जो मनी आपको दिख रही है वही आपको यहाँ पे राइट करनी। जैसे यहाँ पे 1 रुपये का नोट था और 50 पैसे थे, तो 1 रुपये 50 पैसे, तो यहाँ पे 5 रुपये का नोट है एंड 25 पैसे, तो आप क्या लिख देंगे? ₹5.25 फिर सेम एज 20 रुपये 25 पैसे, तो ऐसे कर लेंगे। फिर व्हाट इज़ द करेक्ट चेंज दैट वी गॉट बैक, ठीक है, तो आपको चेंज यानी इतने का आपने लिया, तो आप इतने का सामान था, आपने इतने पेड किए, तो आपको कितना मिलेगा? आपको कन जैसे 147 का ये बैट है और आपने कितने दिए? 150 रुपये आपने दिए, 47 का था। ठीक है, ये कितने रुपी है? 150, तो कितने रुपी बचे आपके? अब आप माइनस कर देंगे तो आपका 3 रुपी बचेगा, कितना बचेगा? 3 रुपी। ठीक है, इसी तरीके आपको नेक्स्ट आगे का करना है। ओके क्लास, थैंक यू ऑल।